Now let's talk about average atomic mass. As almost all elements have isotopes in relative abundance, जैसे कि मान लीजिए आपका क्लोरीन की बात कर लेते हैं, Cl, एंड इसका जो एटॉमिक मास है, कभी इसका 35.5 लिया जाता है तो कभी 37 ले लेते हैं, है ना, दोनों होते हैं। तो कौन कितनी परसेंट में मौजूद है ये मैटर करता है। ये 35.5 वाला 75% के आसपास एग्जिस्ट करता है और 37 वाला 25% के आसपास एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम इसका एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप ऑफ क्लोरीन टोप ऑफ क्लोरीन इंटू उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, मैं करके दिखाता हूँ ये वाला। एटलीस्ट 35.5 इंटू 0.75 प्लस, मैंने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस लिए, 37 नहीं होता, 36.98 होता है, 35.47 होता है, दिस इज ऑल्सो एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट, 75.4 होता है, 24.6 होता है, पर ठीक है, आसपास लेने में कोई बुराई नहीं है। अभी 25.25 डिवाइडेड बाय 100, व्हेन यू सॉल्व इट देन यू अगेन वेरी क्लोज टू 35.5, इसलिए हम यही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से एटॉमिक मास निकाला जाता है। ऐसे आप नियॉन का भी देख सकते हैं, आयरन का भी देख सकते हैं। तो एवरेज लिया जाता है आइसोटोप्स के अलग अलग मासेस का, दैट इज हाउ वी गेट द एवरेज एटॉमिक मास।